विद्यार्थी जीवन में हमारी सबसे बड़ी कमी जो है वह यही है कि हम आज के काम को कल पर टाल देते हैं। और इन्हीं के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। और एक विद्यार्थी से बेहतर, एक स्टूडेंट से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता कि हमारे लिए एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें अपनी किसी भी परीक्षा की, चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर भी वो ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनसे हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो आपका टाइम टेबल, आपका रूटीन, आपका अप्रोच, आपकी टेक्निक कैसी होनी चाहिए, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में तो यही सवाल होता है कि सर मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं, मैं देर से उठता हूं, मैं पढ़ नहीं पाता हूं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी के नाते आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आप जब भी उठें, फ्रेश उठें और उसी समय से अपने लक्ष्य के प्रति आपको लग जाना है। कोई भी समय आपको बर्बाद नहीं करना, उठने के बाद ना तो अपने सेलफोन पर जाना है, ना तो कहीं फोन करना है, किसी से आपको बात नहीं करनी, कोई चिटचैट आपको नहीं करना, आपको सीधा अपने जो आप डेली के काम हैं उनको करने के बाद आपको बैठना है पढ़ने, क्योंकि वही चीजें आपको, वही जो स्ट्रगल आज आप करेंगे वही आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। दूसरी बात ध्यान रखें कि जब आप सुबह उठने की आदत डालते हैं तो इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, ज्यादा अच्छा करने की प्रेरणा आपको मिलती है। कारण यह है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं और इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि जो सूरज को जगाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए आपको कहा जाता है क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही पॉजिटिव वाइब वाला, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी वाला टाइम होता है और इस टाइम को यूटिलाइज आपको करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप किसी भी काम को 21 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो वह आपकी हैबिट बन जाती है, और किसी भी काम को अगर आप 90 दिन तक लगातार करते हैं बिना रुके बिना थके तो आपको वह चीजें आपकी रूटीन हो जाती हैं। इसी तरह से एक विद्यार्थी के लिए उसका टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो भी हैं, आज जिस कंडीशन में हैं, आज जो भी आप हैं, शुरुआत करने से न डरें। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे नहीं पढ़ पाता हूं। मैं आपसे कहूंगा सिर्फ आपको 2 घंटे की स्टडी शुरुआत करनी है, 1 घंटे की स्टडी शुरुआत करनी है, लेकिन धीमे धीमे अपनी कैपेबिलिटी को आपको बढ़ाना है। देखिए हर किसी की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम काम करके अपने ऊपर मेहनत करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। और डोंट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप IPS किरण बेदी को जानते होंगे, भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी जी थी। और मैं आपको बता दूं किरण बेदी ने एक बात कही थी कि आपको बता दिया जाए कि हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, टैलेंट इज नथिंग, और इस बात से वो हाईली एग्री करती थी। तो मैं भी आपको बताऊं कि विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा सत्य यही है कि टैलेंट कुछ भी नहीं होता, आप जो हार्डवर्क करते हैं उसी से आपके अंदर टैलेंट आता है, उसी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। और अगली गलती आपको नहीं करनी, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बात कही कि जिसने कहा कल दिन गया टल, तो ये काम आपको नहीं करना। आज से, अभी से, इसी क्षण से शुरुआत करें, शुरुआत करने मत डरें। आपको जिसने कमजोर आपको या माना कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसको जवाब देने का तरीका यही है कि अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अपने लक्ष्य से प्यार करें, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट ना खोजें। एक्सक्यूज मत दें कि मैं गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है। इसके लिए आपके पास 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा, APJ अब्दुल कलाम और दोस्तों हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
इन दोनों का ही जीवन बहुत ही गरीबी में बहुत ही संघर्ष के साथ बीता और आज पूरा विश्व इनके टैलेंट को मानता है, पूरा विश्व इनके काम को जानता है, पूरा विश्व इनकी रिस्पेक्ट करता है। कभी कोई ये नहीं सोचता कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कर्म पर फोकस किया और यही काम आपको भी करना है। आज आप जिस स्थिति में हैं, अपनी बदौलत आप सभी चीजों को चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है या दुनिया का एक सबसे बड़ा सत्य है, वह है हमारी गरीबी। तो गरीब आपको नहीं रहना, आपके माता पिता ने जो भी आपके लिए किया वो बहुत है, आपको उससे आगे बढ़ना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप सभी को जीवन में अच्छा करने के लिए, अच्छी शुरुआत करने के लिए, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा। वीडियो मैं आपसे चाहूंगा कि एज अ जो भी आप मुझे मानते हो, उस तरीके से आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाइयों बहनों में, ताकि वह भी इस तरीके की शुरुआत जरूर करें और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, सुनहरा बनाए। मिलेंगे अपने अगले बेहतरीन एवं शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों।